ना रुपया ना पैसा ना चीजें ना समाज ना पोजीशंस ए ये शांति कब देने लगी ये तो अशांति देते हैं उल्टे आपकी लॉटरी लग जाए दूर के मरे हुए रिश्तेदार भी जिंदा हो हो के आ जाएंगे पर आप कंगाल होते हो तो अपने रिश्तेदार भी मुंह मोड़ के चले जाते तो धन ज्यादा आ जाए तो मुसीबत ज्यादा आ जाती है बड़ा मकान हो दस लोग आ जाएंगे कि हमारे घर की शादी आपका घर बड़ा है हम यहाँ शादी कर लें कोई आएगा हमारे वो रसम क्रिया करनी बाहर कोई जगह नहीं मिल रही आपके ड्राइंग रूम में कर लें आपका गार्डन बड़ा अच्छा हम यहाँ कर लें वो तो तुम सोचते हो अरे मैंने इसलिए थोड़ी घर बनाया है पर आप ना कर नहीं पाएंगे हाँ करते तो तकलीफ में ना करते तो लोग दुश्मन हो जाते हैं आपकी वस्तुएं आपकी चीजें लोगों को द्वेष या कॉम्पिटेटिवनेस तो दे सकती है शांति कहीं से नहीं देती है सब है पर मन शांत क्यों नहीं सब है मत कहिए नहीं है सब प्रेम के भाव गहरे मन में है नहीं ज्ञान का चिंतन है नहीं साधना का सुख है नहीं सोचिए ना सुबह अमृत वेले उठ करके स्नान आदि करके ऐसे जब मैं बैठे कि ना शरीर की सुध रहे ना मन की इतना गहरा आनंद और उस पर गुरु की सेवा मुझे याद पड़ता है मेरी पहली जो गुरु पूर्णिमा थी तो बड़ा एक एक्साइटमेंट था मेरे मन में शायद उस समय पर दसवीं क्लास में मैं थी तो मेरे जो आचार्य थे जिनसे हम पढ़ रहे थे हमारे महाराज जी के शिष्य थे वो तो अब उन्हीं के साथ करनी थी तो रात भर नींद नहीं आई पैसे जोड़ रखे थे तो सुबह सुबह शायद चार साढ़े चार बजे मैं शिवालय हमारे घर के पास था वहाँ फूल वाला बैठता था तो उससे बहुत सारे फूल खरीदे तो इतने थे कि प्लास्टिक की थैलियाँ तब होती नहीं थी तो उसने एक डंडे के ऊपर वो फूल सारे माला लंबी लंबी जो लड़ी होती ना फूल की वो उसने दे दी मैं अपने कंधे पे रख के कोई समझ लीजिए दो एक किलोमीटर तक पैदल गई वो मेरे कंधे पे है पाँव में जूता नहीं कि गुरुदेव के लिए आचार्य के लिए माला लेके जानी है तो कंधे पे लेके गई और जहाँ उनका आसन था उसको सारा श्रृंगार किया सुंदर उसका आसन बनाया फिर ज्योति आरती आदि सब तैयारी करी थोड़े से दो तीन लोग कुछ और आ गए इतने में उन्होंने आके आसन ग्रहण किया आ कैसे बताएं आपको वो सुख वो मस्ती वह आनंद जो उस समय अनुभव किया तो माला डाली उनको तिलक करते में हाथ कांप रहे थे इतना भाव और प्रेम से भी भोर हुए पड़े थे जब तिलक किया और आँख नहीं खुल रही थी कि आनंद से अश्रु इतने बह रहे थे आँख खुल नहीं रही और आंसुओं से आंखें भरी हुई आनंद के आंसू हैं ठंडे आंसू है और तिलक करके प्रणाम किया और बैठ गई बैठी तो उठा ही नहीं गया मुझे नहीं मालूम वो कब उठ के चले गए मुझे नहीं मालूम बाकी लोग कब चले गए मुझे जो सुधी आई है वो सुबह छः बजे की ये सारी कार्यक्रम हुआ था तो शाम के सात बज चुके थे सात बजे तक तो उसी एक उसी जगह में मैं बैठी हूँ और मन डूबा पड़ा है शरीर की सुधि नहीं है और जब सुधी आई तो जैसे कोई शराबी हो और आँख नहीं खुल रही चला भी नहीं जा रहा पकड़ पकड़ के दीवार सीढ़ियाँ उतर के बामुश्किल वापस घर तलाक आई मैं पूछे कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी जवाब देने की हिम्मत नहीं चुपचाप अपने कमरे में जाके और फिर से बैठ गए ध्यानस्थ और फिर होश आई तो अगले दिन सुबह भाने क्या आनंद है वो गुरु पूजन का जो सुख लिया वो जो आनंद वो तैयारी करने का और फिर घंटों घंटों मतलब समय का तो कोई मतलब नहीं है ना कितना समय बीता पता नहीं है और अगले दिन सुबह स्कूल जाना था तो जैसे तैसे तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के और अपने स्कूल तक चली गई पर आंख अभी भी खुलना नहीं चाहती है तो झूठ बोला टीचर को मेरे सर में दर्द हो रही है। उसने कहा कोई तो सिर्फ डेस्क पे रख के तो यू रेस्ट झूठ बोला उसको और उसने परमिशन दे दी और फिर सिर रख के डेस्क पर मैं पढ़ी रही और टीचर पे टीचर क्लास पे क्लास चेंज हो रही थी और टीचर आ रही जा रही आ रही जा रही तो मेरे जो साथी थे वो टीचर को बोल देते थे जिसके सिर में बहुत दर्द हो रही तो अच्छा ओक ओके यू रेस्ट तो डेस्क पे सिर रख करके पूरा क्लास उस दिन की ऐसे ही निकल गई शाम को जाकर के कहो तो कुछ व्यवहार करने लायक हो पाई क्या आनंद है ये इससे उत्तम क्या हो सकता है तभी तो मैं कहती हूं अगर वास्तव में गुरु प्रेम अंदर होए, तो ध्यान लगाने नहीं पड़ते ध्यान लग जाते हैं समाधियां लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती वो तो प्रसाद से ही मिल जाती तो ज्ञान और प्रेम और ध्यान का ये समंदर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मत कहो मेरे पास सब कुछ है और शांति नहीं है असली चीज नहीं है बाकी है और जो बाकी है वो काफ़ी नहीं है मन को अच्छा आ, सुख का अनुभव शांति का अनुभव देने के लिए नहीं है काफ़ी वो जितनी दौड़ लगा सकते हो लगा लो आज नहीं कल कल नहीं परसों तुम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे जो मज़ा विशाले यार में है वो मज़ा इस संसार में कहाँ विशाल यार मतलब अपने यार को आमने सामने देखना जो मजा विशाल यार में है वो मजा इस संसार में कहाँ अब संसार में ढूंढ रहे हो वो मजा जो यार से मिलना है कैसे मिल जाएगा तो मन तो अधूरा और प्यासा रह ही जाएगा पर देर नहीं है कभी देर नहीं होती है हम जब चाहें अपने मन के रुख को बदल दें और ज्यों ज्यों सत्संग श्रवण करते जाएंगे और ज्यों ज्यों चिंतन अंदर गहरा उतरता जाएगा और ज्यों झ्यू नाम स्मरण बढ़ता चला जाएगा और ज्यों ज्यों वो भीतर डुबकी लगने लग जाएगी छोटी छोटी डुबकी लगेगी पहले पर जब लगेगी तो बहुत बहुत स्वयं को धनवान जानोगे तुम पूर्ण संतुष्ट आप काम कोई चाह बाकी बचती नहीं कोई इच्छा बाकी बचती नहीं अशांति तो कहां ही बचेगी ना तो वो तो रहेगी ही नहीं रह सकती नहीं है अशांति मतलब जो होना चाहिए वो है नहीं इसलिए मन अशांत है जैसे बच्चा रो रहा हो ना तो कहते हुए क्यों रो रहा है बच्चा भूख लगी है तो दूध दो पेट दुख रहा है तो पेट मलो नींद आई है सुला दो और ये तीनों ना हो रहे हो तो बोले फिर डॉक्टर दिखाना पड़ेगा ये रो क्यों रहा है देखा खिलौना चाहिए तो दे दो पर इससे भी अगर बात समझ नहीं लगे तो फिर कहते डॉक्टर के लेके जाओ ये रो क्यों रहा कारण होना चाहिए ना तो मन अगर अशांत है तो कोई कारण होगा ना कारण ढूंढिए मृत्यु जो कि सब कुछ बदल के रख देता है जैसे कि तन परिवार धन स्थान एक्सेट्रा तो क्या मन भी क्या नया मिलता है मृत्यु के बाद और नए जन्म के आ, समय में मन की स्थिति क्या होती है मन कहाँ रहता है विपिन मृत्यु देह की होती है मृत्यु मन की नहीं होती है तो देह नहीं परिवार नया स्थान नया घर नया सब कुछ नया हो जाए मन वही पुराना और एक मृत्यु और नए जन्म के बीच में मन कहाँ रहता है जैसे गहरी नींद में मन कहाँ रहता है अज्ञान में बस ऐसे ही जानिए मृत्यु के काल में मन उस अज्ञान में ही है उस अंधकार में ही है जैसे गहरी नींद में ये नींद पता रहता ना कहाँ लेटे कहाँ सोए है उसका कोई बोध नहीं होता इसी तरह से मन उस अबोध अवस्था में रहता है अज्ञान अंधकार की न जानने की अवस्था में रहता है ये तो जब नया शरीर मिलता है उसमें भी कुछ समय के बाद वो नया देह अपना लगता है और फिर उस नए परिवार और सब लोगों के साथ जो संबंध बनते हैं फिर नहीं एक दुनिया उसकी खड़ी हो जाती पर मन वही रहता है मन चेंज नहीं होता है काश हो जाता पर अगर हो गया तो कर्म का सिद्धांत झूठा हो जाएगा ना किस कर्म का फल भोगेंगे आप जब मन ही ना रहा तो क्योंकि सब कुछ इस मन में ही तो है मन वही रहता है शरीर नया होता है और मृत्यु और नए जन्म के बीच में उस सुषुप्त अवस्था में होता है कब तक रहेगा अब ये एक ऐसा माया का चक्र चल रहा है जिसका पता मनुष्य की बुद्धि को लगाना बड़ा कठिन है बहुत कठिन है मरने वाला आज जो गया है वो कल कहाँ जन्मेगा बहुत मुश्किल है कहना हालांकि जो बहुत विद्वान ज्योतिषी हैं बहुत विद्वान बहुत साधनों में ही जो हुए वो जान पाते हैं एक अनुमान लगा पाते हैं जो योग के साधक है तो उनके अपने जीवन में अगर उन्होंने कुछ अनुभूतियों को प्राप्त किया है तो वो सुनिश्चित से जानते हैं कि अगला जन्म कहाँ होने वाला है लेकिन एक आम आदमी के लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि अगला कहाँ कब किस जगह में किस हालात में कैसी स्थिति में जन्म होने वाला है पर यह बात बिल्कुल तय है मन तो वही का वही है यही तो लाभ है ना जो साधना आपने अब करी शरीर गया नया शरीर आया जितनी साधना करी उतनी तो हो चुकी अब उसके आगे चलोगे तुम वापस एबीसी शुरू नहीं होगा जहां तक पढ़ चुके नेक्स्ट में आपका वहाँ से कड़ी वापस शुरू हो जाती है ये मैं देखती हूँ पचास सत्तर अस्सी साल का हमारा साधक है बेचारा कोशिश करता है सुनने की होता कुछ नहीं ना समझ आती है ना वो सुने ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाता है और फिर मैं देखती हूँ कई बार बहुत छोटे बच्चा शरीर से बहुत छोटा है लेकिन समझ इतनी सुंदर है और वो जो सुनता है वो तुरंत उसको एक्चुएट कर लेता है एक प्रोसेस में ऑलरेडी था ना उस साधना में शरीर तो चला गया पर जहाँ उसकी होश सदी आ, उसका प्रारब्ध उसको कैसे तैसे खेच खाच के यहाँ तक ले आता है बहुत से बच्चे आते हैं उनके माता पिता यही बात बोलते हैं कि ये हमको यहाँ लाया है हमको तो आपका पता भी नहीं था माताएं बोलती हैं गर्भवती होने के बाद हमें आपका पता चलो पहले पता ही नहीं था मैं अच्छा अजीब बात लगती है मुझे ऐसे कैसे पर सच तो यही है जब तक प्रारब्ध कर्म न जागे तब तलाक ये ज्ञान बोध के प्रति ना रुचि जगती है न संत मिलता है न ये सब यात्रा शुरू होती है जैसे आम अपने मौसम में खिलेगा जैसे जामुन अपने मौसम में आएगा सारा साल पेड़ ठूट की तरह खड़ा रहता है छाया देता फल नहीं देता फल अभी देता सिर्फ पूरे साल में जामुन एक ही बार फल देता ये एक महीना आगे पीछे कुछ भी नहीं तो हमारे कर्म का जो बीज है वो कब फल देगा अपने समय पर देता है सो so, मन को सुधारो मन पे काम करिए नहीं तो जैसा ये जीवन जिया है बेहोशी वाला अगर वैसा ही चलता रहा तो बेहोशी कंटिन्यू रहेगी फिर बेहोशी को तोड़ना पड़ता है अपने आप नहीं टूटती है जागृति लानी पड़ती है पर कभी कभी सोचती हूं कि सुनते सब हैं समझते क्यों नहीं फिर शब्दों से तो समझ जाते हैं पर जीवन में अप्लाई क्यों नहीं कर पाते ये कच्चे ही क्यों रह जाते हैं कोई पीछे मिले बड़े व्याकुल हो रहे थे बहुत व्याकुल हो रहे थे कुछ तकलीफ हो गई घर में मैंने उनको कहा मैंने कहा हद हो गई इतने सालों से मुझे सुनते हो इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही ये ऐसे कैसे मैं ऐसे कैसे क्या है नहीं हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया वो जहां बेटी ब्याई थी वो बंदे लालची निकले वो लड़का भी लालची निकला तो बड़े परेशान हो रहे थे ऐसे कैसे ऐसे कैसे मैं भैया दुनिया ऐसी ही है फ्री में तुमको लेसन मिल रहा है ले लो तुमने माना ना तुम्हारी मान्यता गलत प्रूव हो रही है वह अपने निर्णय लेने पर के रिश्ता हमने तय किया है हाँ हमने करी थी लड़की ने तो सिर झुका के शादी कर ली है वो गलत निकल आया हमें रात नहीं नहीं आ रही हमारे साथ ऐसे कैसे ऐसे कैसे मैं ऐसे, ऐसे कैसे क्या भाई जो भी विलन टाइप का बंदा होता है वो एंट्री में फिल्म में जैसे ही आता है तो आते ही थोड़ी वो विलन लग रहा होता है बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है तो धीरे धीरे वो बताता है कि वो क्या है तो जब वो लड़का लड़की खासकर जब देखते एक दूसरे को मैंने रेस्टोरेंट में है ना गुरुद्वारे में मंदिर में मिलते हैं कैफे में मिलते हैं तो वो पहले दिन थोड़ी बताएगा मैं लालची हूँ और ना लड़की बताएगी कि वो फजूल खर्च करती है एक घंटे की मीटिंग में तो रिश्ते तय हो जाते लड़के का बैंक बैलेंस देखा जाता है लड़की की शक्ल बैंक में बैलेंस अच्छा है सैलरी स्लिप अच्छी है हाँ और लड़की देखने में ठीक ठाक है फिर पूछते थे शादी कैसे कहाँ करनी है और अगर उन्होंने बोला ऐसा बैंकुट हॉल जहाँ माने दो हज़ार रुपये पर चार हज़ार रुपये पर प्लेट हो वो जी, हम वहाँ शादी करेंगे बोलो हाँ ठीक है गुड नाइस पार्टी होगी तो तुम पार्टी के लिए शादी कर रहे थे बच्चे की शकल शकल तो बिगड़ने में टाइम ही नहीं लगता वो मैंने बताया ना लड़कियां वो डाइटिंग कर रहे हैं जिमिंग कर रही क्या कुछ कर रहे कि पतली रहे शादी हो जाए शादी हो गई चार साल में तीन बच्चे हो गए वो फिर टुन टुन बन के घूम रही होती फिर पति कहता है मैं इसको तो नहीं पसंद किया था विक क्या मतलब अरे इतनी मोटी हो गई है तू के जा शीशे में शक्ल देख मैंने भी गंजे से शादी नहीं करी थी तू गंजा हो गया और नीचे भी देख लेना पेट तेरा कहाँ जमीन तक चला गया है तो मैंने ऐसे मोटू से शादी तो नहीं करी थी तो मुझे कुछ कहने से पहले अपनी शक्ल देख फिर दोनों चुप हो जाते फिर मोटा मोटी गए बाजार रखो मिले थानेदार फिर तो वो रिश्ते घसीटे जाते हैं बच्चे हो गए तो घसीटो अब